यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज मौन व्रत पर बैठेंगे। बड़ी खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत का आज मौन व्रत है। गांधी पार्क में मौन व्रत पर बैठेंगे हरीश रावत। किसानों से जुड़े विधेयकों के खिलाफ मौन व्रत रखेंगे। विधेयकों को किसानों के खिलाफ साजिश बताया हरीश रावत ने। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों की परेशानी बढ़ाई है। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, किस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन व्रत पर बैठेंगे? जी देखिए कौशल, 9:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की घेराबंदी करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किसानों की परेशानी बढ़ाने के लिए 3 अध्यादेश को संसद की जो मंजूरी दी गई है उसके खिलाफ भी हरीश रावत का ये मौन व्रत होगा। और गांधी पार्क पर आज ये 2 घंटे बैठकर राज्य सरकार के लिए हमला बोलेंगे और किसानों के लिए अलग अलग जितने भी उनकी दिक्कतें हैं उनको लेकर आज ये मौन व्रत करने जा रहे हैं। तो 9:30 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का, और गांधी पार्क में ये पूरा कार्यक्रम है जहां उनके सैकड़ों कार्यकर्ता भी होंगे। और साथ ही जिस तरह से लगातार वो सरकार को घेरते आ रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक उनका पूरी तरह से एक पूरी विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जारी है। तो ऐसे में गन्ना किसान हो या तमाम जितने भी किसान हो उनके तमाम मुद्दों को लेकर और अध्यादेश के विरोध में आज ये अपना मौन व्रत रखेंगे। बहुत शुक्रिया विनोद आपका, आप नजर बनाए रखिएगा फिलहाल इस जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज मौन व्रत पर बैठेंगे। बड़ी खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत का आज मौन व्रत है। गांधी पार्क में मौन व्रत पर बैठेंगे हरीश रावत। किसानों से जुड़े विधेयकों के खिलाफ मौन व्रत रखेंगे। विधेयकों को किसानों के खिलाफ साजिश बताया हरीश रावत ने। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों की परेशानी बढ़ाई है। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, किस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन व्रत पर बैठेंगे? जी देखिए कौशल, 9:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की घेराबंदी करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किसानों की परेशानी बढ़ाने के लिए 3 अध्यादेश को संसद की जो मंजूरी दी गई है उसके खिलाफ भी हरीश रावत का ये मौन व्रत होगा। और गांधी पार्क पर आज ये 2 घंटे बैठकर राज्य सरकार के लिए हमला बोलेंगे और किसानों के लिए अलग अलग जितने भी उनकी दिक्कतें हैं उनको लेकर आज ये मौन व्रत करने जा रहे हैं। तो 9:30 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का, और गांधी पार्क में ये पूरा कार्यक्रम है जहां उनके सैकड़ों कार्यकर्ता भी होंगे। और साथ ही जिस तरह से लगातार वो सरकार को घेरते आ रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक उनका पूरी तरह से एक पूरी विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जारी है। तो ऐसे में गन्ना किसान हो या तमाम जितने भी किसान हो उनके तमाम मुद्दों को लेकर और अध्यादेश के विरोध में आज ये अपना मौन व्रत रखेंगे। बहुत शुक्रिया विनोद आपका, आप नजर बनाए रखिएगा फिलहाल इस जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया।